यस एवरीवन, सो हम लोगों ने ना लास्ट लेक्चर में दो क्वेश्चंस करे थे. दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ. और दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ. ठीक है, तो उस टॉपिक में किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बोल सकता है, मैं उसको रिपीट कर दूं, और अदरवाइज मैं आ जाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर डाउट नहीं है तो. यस एनीवन, फिर वापस. यस सुजल, नो वन, सबको क्लियर हो गया था, सब लोगों ने जो होमवर्क किया. सो कोई पॉइंट में किसी को कुछ लगा था डाउट वगैरह? ओके फाइन, चलो. सो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज पॉइंट्स और एस्पेक्ट्स. कि जब भी हम लोगों को कोई डायग्राम या फिर ग्राफ बनाना हो तब हमको कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, सो ये आपको पता है कि ये चैप्टर के अंदर से वैसे तो थियरी पूछेंगे लेकिन 5 मार्क्स के अंदर ग्राफ भी आएगा. ठीक है, बट तो इसी वजह से हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि जब भी हम लोगों को ग्राफ या डायग्राम बनाना है तो कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका होगा एस्पेक्ट्स या तो फिर क्या पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल drawing a diagram or graph. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. एस्पेक्ट्स बोलो या फिर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट्स भी. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल है 6 पॉइंट्स जो हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल पहली पॉइंट है हमारी, सबसे पहला चीज हमारा आता है, वी हैव टू चॉइस. क्या है? चॉइस ऑफ राइट टाइप ऑफ डायग्राम. ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे क्या है, दैट इज सबसे पहली हेड पॉइंट है, चॉइस करना है हमको, चूज करना है हमको कि कौन सा डायग्राम यहाँ पे बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं अगर डेटा लेती हूँ यहाँ पे, ये ईयर, और यहाँ पे मैं ले लू सेल्स, से फॉर एग्जाम्पल 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010. ठीक है, और सेल्स है 100 units, 150 units, 125 units, 120, 110 और 160 units. अगर आपको ऐसी डेटा दी गई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि डेटा तो दी गई होगी आपको, अगर ऐसी डेटा दी गई है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा डायग्राम बनेगा यहाँ पे? बार डायग्राम. बार डायग्राम, राइट, सिंपल. क्या बन जाएगा? सिंपली बार डायग्राम बन जाएगा. या इवन हम लोगों को भाई लाइन डायग्राम भी बनाना हो तो हम बना सकते हैं. तो सबसे पहले तो क्या करना है हमको? चूज करना है. क्या चूज करना है? कि डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम बनाया जाएगा. समझे? सबसे पहला पॉइंट क्या है? डेटा को देखकर हमको क्या करना है? चूज करना है कि कौन सा डायग्राम बनेगा. तो यहाँ पे जनरली डेटा को देख के तो यही लग रहा है कि हम लोग इवन लाइन डायग्राम या बार डायग्राम दोनों में से कोई भी बना सकते हैं. लेकिन बार डायग्राम क्या होगा? इजी रहेगा बनाना, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग बार डायग्राम बनाए. अब अगर मैं डेटा चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स रहने देती हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ. एग्जाम्पल ये है पहली पहली की सेल्स, ठीक है, और ये है
ऑनियन की सेल्स, ठीक है, तो क्रीमन ऑनियन में मैं डालती हूँ 80 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 70 यूनिट्स, 100, 150 और 200. अब आप मुझे क्लस्टर बाय डायग्राम बताओ क्या बनेगा. क्लस्टर बाय डायग्राम ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यही वेरिएबल के दो पार्ट्स हो गए, है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लस्टर बार डायग्राम बन सकता है. तो हमारी सबसे पहली पॉइंट, जब भी हम लोग ग्राफ या डायग्राम बना रहे हो तो हम लोगों को सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है, हमको देखना है, हमको चूज करना है कि डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम यहाँ पर बन सकता है. तो अगर आपसे 5 मार्क्स में पूछते हैं ग्राफ, तो आपको सबसे पहले डेटा देखनी है, ठीक है, तो ये डेटा देखी, चूज किया कि यहाँ पे क्लस्टर बार डायग्राम बन जाएगा, तो दैट फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटेड, ठीक है. तो यहाँ पे आपके बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है देखो, टू मेक पिक्चर मोर इफेक्टिव राइट टाइप ऑफ डायग्राम इज टू बी प्रिपेयर्ड. अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने और आपकी प्रेजेंटेशन अपने पिक्चर को और इफेक्टिव बनाना है, तो सही डायग्राम को हमको चूज करना पड़ता है. इफ द इंफॉर्मेशन गिवन इज ऑफ सिंगल डेटा, पहले मैंने सिंगल वाली बताई थी ना, सिर्फ सेल्स बताई थी, तो वहां पे क्या बन सकेगा, जो हम लोगों ने देखा लाइन डायग्राम या तो बार डायग्राम कन्वीनियंट है. लेकिन अगर हमको कंपैरेटिव स्टडी करना हो, अब जैसे पेरिफेरी और क्रीमन ऑनियन दोनों है, तो यहाँ पे क्या हो सकेगा, क्लस्टर बार डायग्राम रेडी हो सकेगा. सो फॉर अ कंपैरेटिव स्टडी, क्लस्टर बार डायग्राम और अ पाई चार्ट, अगर हमको पाई चार्ट भी बनाना हो तो भी हम लोग बना सकते हैं, या पाई डायग्राम भी बोल सकते हैं हम लोग, वो भी बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल पाई डायग्राम अगर बनाना हो तो देखो भाई, हम लोग ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स यहाँ पे ले लेंगे, ये पेरिफेरी के लिए, और एक साइड पे एक और बनाएंगे इसके लिए क्रीमन ऑनियन के लिए, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके. तो ऐसा भी बन सकता है, और अदरवाइज जो हमारा बनता है भाई, समझे, इस तरीके से क्लस्टर जो बनता है हमारा, क्या ये बना सकते हैं हम लोग, या फिर ये इस तरीके का भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है. तो कैसे यहाँ पे बनेगा ना, इस तरीके का, ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का, समझे, ऐसे जैसे लाइनिंग या फिर हम लोग डॉट्स करते हैं, तो इस तरीके से पाई डायग्राम हम लोग जनरली प्रिपेयर करते हैं. ऐसे बनाना चाहो तो भी बन सकता है, या फिर सिंपल तरीके से क्लस्टर बनाना चाहो तो भी इजीली बन सकता है, लेकिन जनरली हम लोग क्लस्टर ही बनाते हैं, समझे, क्योंकि ये बनाना आपके सिलेबस में पाई डायग्राम को डिटेल किया तो है, लेकिन पूछते नहीं है, पूछते यही है क्लस्टर भाई, लिखा क्वेश्चन में तो लिखा हुआ ही आता है मोस्टली, कभी कभार ऐसा रेयर होता है जो लिखा हुआ नहीं आया, समझे, तो हमको डेटा देखकर चूज करना पड़ता है, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर एवरीवन, कि हमको क्या करना है, जैसे ही हमारे पास डेटा आती है उस डेटा को ध्यान में रखते हुए सीधा हम लोगों को चूज करना है कि कौन सा यहाँ पे डायग्राम बनने की भाई बन सकता है, और परफेक्ट भाई अच्छे से प्रेजेंटेशन हो सकती है उस चीज की, ठीक है. अब इसको मैं एज इट इज रख रही हूँ. नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आ जाती है क्लैरिटी. सेकेंड पॉइंट क्या है, क्लैरिटी. जो डायग्राम होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, क्लियरली हर किसी को समझ में आना चाहिए, समझे, तो वो क्या होगा, नीट एंड क्लीन, गंदा नहीं होना चाहिए. ऐसे आप क्या करते हो बताओ, काफी बार है ना, जो पेंसिल हम लोग यूज करते हैं ना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ये डायग्राम वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें ना हम लोग पेंसिल अच्छे से शार्प नहीं करते हैं, तो हमारी गंदी वाली पेंसिल होती है, फिर कभी रबर से हम लोग कुछ करते हैं तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए. हमारा डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो आपको अच्छी मार्क्स मिलेगी उसके अंदर, समझे.
सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट यही चीज आ रही है. बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, अ पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर. डिफरेंट कलर्स और शेड्स आर यूज्ड टू मेक इट मोर क्लियर. देखो अभी लैपटॉप्स में ये कंप्यूटर वगैरह में हम लोग जो डायग्राम्स या ग्राफ बनाते हैं तो उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे वाले कलर्स. लेकिन हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में भाई ये बुक के अंदर हम लोग बनाते हैं, ग्राफ बुक के अंदर हम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, शेड्स करते हैं, या फिर हम लोग लाइनिंग करेंगे, या हम डॉटिंग करेंगे, या हम छोटा 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 स्टार्स बनाएंगे हम, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सके डायग्राम को. ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज आप यूज कर सकते हो भाई, शेड्स करने हो. अब जैसे सिंपल सी बात है, इसी चीज का मैं ले आऊ यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे ईयर और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेल्स. ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बना ही देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ओरिजिन, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010. ठीक है, फिर अभी हम लोगों को लेना कैसे है, सबसे छोटा है 80, ठीक है, और सबसे ज्यादा है 160. ठीक है, तो हम लोग सबसे छोटा 60 है ना, वैल्यू को देखकर हम लोग यहाँ पे स्केल डिसाइड करेंगे. तो मैं 2020 का गैप ले रही हूँ, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160. देखो एकदम बराबर बनाए मेरा, एकदम परफेक्ट, समझे. अब अपने क्या करेंगे, पहली पहली और थ्री मैन हो गया, दोनों है क्लस्टर बार एकदम बनेगा. तो 2005 में पहली पहली कितना है, 100 तक मेरे को जाना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसी वक्त दोनों बनाने पड़ेंगे मुझे, तो मैं छोटा छोटा सा ही बनाऊंगी. देखो ये मैंने बनाया पहली पहली, ठीक है, और दूसरा है 80, तो यहाँ से ले लूंगी 80. ठीक है, अभी ये दोनों तो प्लेन है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, पहली पहली वाले पे थोड़ा सा शेडिंग कर दूंगी. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया. ओके, और यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगी कि ये वाला जो है वो पहली पहली है और जो प्लेन वाला है वो क्या है, ग्रीनलैंड ओनियन. ठीक है, ओके, तो देखो इसी तरीके से मैं पूरा कंप्लीट करूंगी, आऊंगी मैं इस चीज को कंप्लीट करने के लिए. लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी चीज बता रही हूँ कि हम लोग क्लैरिटी के लिए इवन शेड्स भी यूज कर सकते हैं अपने ग्राफ के अंदर. ठीक है, और यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्लैरिटी खत्म हो जाती है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आती है, दैट इज स्केल, स्केल एंड मेजरमेंट, स्केल एंड मेजरमेंट. देखो अभी सिंपल सी चीज है, मैंने स्केल कैसे लिया है, हमको हमेशा स्केल कैसे लेनी होती है. तो मैंने मिनिमम नंबर देखा यहाँ पे, दैट इज 80, और मैक्सिमम देखा मैंने 160. ठीक है, मतलब ये दोनों कवर होने चाहिए. आप सोचो अगर मैं 10-10 का गैप लेती तो मेरा डायग्राम कितना बड़ा बन जाता, और अगर मैं 5-5 का लेती तो और बड़ा बन जाता, मतलब ग्राफ पेपर पे शायद आ भी नहीं सकता. या मैं 50-50 का लेती तो 4 में खत्म हो जाता. तो हमेशा हम लोगों को जो स्केल डिसाइड करनी है वो कैसे डिसाइड करनी है, कि ना ही हमारा डायग्राम बहुत बड़ा लगे और ना ही हमारा डायग्राम बहुत छोटा लगे, एकदम मीडियम साइज का होना चाहिए. देखो अब ये क्या है, एकदम मीडियम साइज है, तो इसी वजह से मैंने 20-20 का स्केल लिया. ठीक है, तो यहाँ पे मैं चीज लिखूंगी, स्केल एंड मेजरमेंट क्या होना चाहिए, नीदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल,
समझे। तो ये चीज कब डेवलप होगी आपकी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखो जैसे ये चीज मैं अभी आपको करवा रही हूँ, तो आज जो मैं होमवर्क में ना एक ये क्वेश्चन थियोरी का तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ में एक ग्राफ की प्रैक्टिस भी करेंगे। मेरा एक प्रॉपर तरीके से पीडीएफ रेडी किया हुआ है कि हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ, वो पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, जिसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से जो मैं समझा रही हूँ वो उसी तरीके से सारी चीजें लिखी हुई है, और वहां पे एक डेटा भी है, डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है, और आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है जो हम डिस्कस करेंगे ना आज के लेक्चर में, उसकी मैंने सेपरेट एक पीडीएफ भी बनाई है। तो जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो वो सारे पॉइंट्स को हमको कंसीडर करना होता है, तो प्रैक्टिसिंग करने के लिए। तो एक डेटा के साथ प्रॉपर तरीके से मेरा उसी में डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप वो चीज भी प्रैक्टिस करोगे आज, समझे। फिर धीरे धीरे दूसरे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपकी गलती पता चलेगी कि आप कहाँ पर लैकिंग हो रहे हो, समझे। और प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो 5 मार्क तो समझ ही जाना कि आप छोड़ दोगे, आगे चले जाएंगे। अगर 5 मार्क कैश मार्क्स चाहिए आपको तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग जितने टाइप ऑफ डायग्राम सीखेंगे उतने अलग अलग टाइप ऑफ डायग्राम जैसे जैसे सीखेंगे। आज तो चलो बेसिक चीज सीख रहे हैं हमको भाई कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। अब जैसे कल के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी टाइम या लाइन डायग्राम में सिखाऊंगी या फिर बार डायग्राम में सिखाऊंगी, तो सेम जो चीज सीखेंगे वही सेम चीज होमवर्क में भी करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो। यहाँ पे मैं कोई और एग्जाम्पल लूंगी और आपको जो भाई सेंड करूंगी मैं होमवर्क के लिए वो दूसरा कोई एग्जाम्पल होगा, डेटा सेम होगी जो चीज पढ़ी अपने ने, तो प्रैक्टिस साथ साथ में करेंगे। जिसने प्रैक्टिस नहीं की तो भाई सिंपल सी बात है कि आप 5 मार्क्स खो चुके, ठीक है। तो अच्छे से हम लोगों को प्रैक्टिस करेंगे। तो स्केल और मेजरमेंट, अब स्केल के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास है ना इतनी स्पेस एक्चुअली नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा उस साइड लिख दे रही हूँ, ये चीज के लिए भी मैं थोड़ा उस साइड लिख दे रही हूँ। वैसे ग्राफ के इस साइड ही लिखना होता है हम लोगों को, बट मेरे पास थोड़ी स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। पहले तो ये बताया मैंने फ्लेवर, और फिर मैं ये खाली वाला डेट इज क्रीमर रखूंगी, ठीक है। अब स्केल के लिए हम लोगों को क्या लिखना होता है, हमको ऐसे लिखना होता है स्केल इक्वल्स टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कितना सेंटीमीटर लिया है मैंने, 1 सेंटीमीटर लिया है मैंने। देखो 0 से 2005 1 सेंटीमीटर, 2005 से 2006 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ईयर, क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ईयर। सेम एज इट इज वाई एक्सिस, y एक्सिस में भी मैंने क्या लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर ही लिया हुआ है। तो इधर भी लिखूंगी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या है, सेल्स है, कितनी सेल है 1 सेंटीमीटर की, 20 सेल्स, 20 यूनिट्स सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा कि y एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 यूनिट्स सेल्स, समझे इस तरीके से। और मैंने ये जो बोर्ड वर्क है मैं वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, ठीक है। चलो तो मेरे पास एक्चुअली स्पेस नहीं थी तो मैंने इस वजह से उस साइड लिखा, क्योंकि अभी क्या ये पूरा डायग्राम हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, पूरा बनाना पड़ेगा। चलो सो स्केल्स और मेजरमेंट में क्या है, नीदर टू लार्ज, हमारा डायग्राम बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, मतलब स्केल डिसाइड करनी है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी, ठीक है, ओके। सो ये पॉइंट हमारी पूरी खत्म। अब बुक में क्या लिखी हुई है, स्केल एंड पिक्चर इज सिलेक्टेड एज पर द डेटा टू लुक इट मोर अप्रोप्रिएट। सो हमारा जो डायग्राम है वो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे, जैसी डेटा दी गई है उसके हिसाब से हमको अपनी स्केल्स और ये स्केल और मेजरमेंट करना है डायग्राम, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन of axis, axis कितने axis होते हैं मुझे कोई बताएगा,
How many X's are there? 82. Yes, Ravi. 2 X's. Do. Do X's. Ha, do X's. First one, कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस. वाई एक्सिस. और सेकेंड वन दैट इज एक्स एक्स. और दोनों के बीच में एक ओरिजिन. यस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कहाँ पे करना होता है? हॉरिजॉन्टली के वर्टिकली? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली मैंने वही चीज की है. मैंने लिखा है एक्स एक्सिस यहाँ पर. लिखा है? यस और नो? लिखा है. यस. और मैंने वर्टिकली वाई एक्सिस लिखा है. यस. तो ये वाली पॉइंट भी क्या है? इम्पोर्टेंट. जो भी बच्चा अगर भूल जाता है रिप्रेजेंटेशन करना इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, हाफ मार्क कट. अगर आप भूल जाते हो ग्राफ के अंदर, ये सोचकर चलना. हमेशा हमको सबसे पहले एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. आपने देखा कि जैसे ही मैंने डायग्राम ग्राफ बनाया, पहले मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखा और उसके बाद ये मैंने ईयर वगैरह डाला है. पहले वो चीज लिखी. तो फोर्थ पॉइंट हमारी क्या है? हमको रिप्रेजेंट करनी है सारे एक्सिस, जो भी हमारे दो एक्सिस है. ठीक है. सो देखो क्या लिखा है. ऑन बोथ द एक्सिस व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड मस्ट बी मेंशन. एक्सिस तो प्रेजेंट करना ही है, लेकिन आप लोग देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पे ईयर है तो मैंने ईयर भी यहाँ पे लिखा हुआ है. वाई एक्सिस पे सेल्स है तो मैंने सेल्स भी यहाँ पे लिखा है. जो भी जना यहाँ पे भूल जाता है कि भाई से फॉर एग्जांपल सेल्स की जगह पे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे. और यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्रीज हो तो यहाँ पे कंट्रीज लिखनी पड़ेगी और नीचे लिखना पड़ेगा कंट्री. समझे? एस एस ई ओ यू एन टी आर वाई, कंट्री लिखना पड़ेगा. तो ये दोनों चीजें मेंशन करनी पड़ती है. जो मेंशन नहीं करता है फिर से हाफ मार्क कट, मतलब पूरी एक मार्क कट ऐसा समझ लो. अगर आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जो जो चीजें मेंशन करनी है वो चीज नहीं किया, एक पूरी मार्क कट कर दूंगी मैं. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपकी मार्क्स कट हो सकती है उस चीज के ऊपर. तो आपको जब भी आप डायग्राम बनाओ तो आप ये सब चीजों का ध्यान रखना है अपने. ठीक है. तो दैट इज द फोर्थ पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ वन, डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा. ठीक है. और डेटा टेबल तो देखो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है यहाँ पे. तो आपको क्या करने का, आपके ग्राफ पेपर पे आप पहले ग्राफ पूरा रेडी कर दोगे, उसके पीछे वाले पेज पर सबसे पहले क्या कर दोगे, जो आपको क्वेश्चन पेपर में डेटा टेबल दी हुई है, जैसे इस तरीके से ये टेबल दी हुई है, नेक्स्ट वाले पेज पे वो टेबल को ड्रॉ कर दोगे. समझे? तो इधर फिफ्थ पॉइंट लिखी हुई है कि आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा टेबल ड्रॉ करके बतानी पड़ेगी पेपर के अंदर भी आंसर शीट में. और प्लस सेकेंड चीज बोलिए सोर्स ऑफ डेटा. सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है कि ये जो डेटा है वो मुझे मिली कहाँ से. समझे? अब ये डेटा तो मैंने हाइपोथेटिकल लिया, मैंने अपने मर्जी से ली हुई है. लेकिन काफी बार क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो जो डेटा होती है वो कहाँ से मिली होती है, सेंसस ऑफ इंडिया से, या तो जैसे हेल्थ सेक्टर, अभी जैसे कोविड की जितने भी रिपोर्ट चाहिए मुझे या कोई भी डेटा चाहिए तो मुझे WHO या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे सब जगह से मेरे को गूगल से मिल सकती है. तो मुझे ना सोर्स बताना पड़ता है. यहाँ मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा चाहिए. समझे? तो वो जो मेन डेटा होगी तो वो से फॉर एग्जांपल NSS हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिसर्च की होगी और डेटा पुट ऑन की होगी अपने वेबसाइट पे. तो इससे क्या हो जाता है, सोर्स से क्या हो जाता है, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. मतलब ये जो डेटा होती है वो हम गलत यूज नहीं कर रहे हैं, वो सही डेटा है. किसी ने अच्छे से, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो रिसर्चेस करती है, उन्होंने ये डेटा को पब्लिश किया है. समझे? तो काफी बार क्वेश्चन में हमको ये जो टेबल होती है ना, डेटा टेबल, इसके नीचे हमको ना सोर्स ऑफ डेटा दिया गया होता है.
काफी बार क्वेश्चन में अगर एग्जाम पेपर में नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो अपने को लिख के आने का सोर्स नॉट अवेलेबल, क्योंकि नॉट गिवन, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, समझे? तो जैसे ही सेकेंड पेज पे आप जो डेटा टेबल है, डेटा टेबल के नीचे ही आप एक चीज मेंशन करोगे, अगर सोर्स आपको दिया हुआ है, कोई भी चीज भाई, इकोनॉमिक सर्वे दिया हुआ है, सेंसस ऑफ इंडिया दिया हुआ है, कुछ भी अगर दिया हुआ है, तो वो सोर्स को क्या करोगे, आप लिखोगे अपने आंसर शीट में। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप लिखो सोर्स इक्वल्स टू नॉट गिवन, समझे? अब जैसे इसमें है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई सोर्स जो है वो क्या है, नॉट गिवन, ठीक है। तो अगर सोर्स दिया हुआ होता या आरबीआई या सेंसस ऑफ इंडिया, तो मैं वो चीज यहाँ पे मेंशन करती, समझे? तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिफ्थ नंबर, डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा, जिससे क्या हो जाएगा, आप जो डायग्राम या ग्राफ बनाओगे वो ऐसा नहीं है कि गलत होगा, उससे क्या हो जाएगा, सामने वाले को जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो डायग्राम या ग्राफ, उससे रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपने कहीं से भी गलत डेटा उठाई नहीं है, आपने स्पेशली आरबीआई की साइट पर जाकर या फिर एनएसएसओ की साइट पर जाकर या आरबीआई या से फॉर एग्जाम्पल सेंसस ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर आपने डेटा उठाई है और उस डेटा को यूज किया है और फिर डायग्राम या फिर ग्राफ बनाया। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपने अगर सोर्स नहीं लिखा है ना, तो सामने वाले को, प्रेजेंटेशन वाले को पता चल जाता है, जो आपको सुन रहा होता है, कि भाई कुछ भी कहीं से भी उठा दी है डेटा, समझे? गलत गलत डेटा उठा दी है। तो हम गलत डेटा के ऊपर डायग्राम और ग्राफ नहीं बना सकते हैं, समझे? ये तो चलो एग्जाम्पल हम लोगों को लेना है और मैं आपको समझा रही हूँ वो कंसेप्ट, समझे? लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में जो सोर्स दिया हुआ हो वो हमको मेंशन करना होता है। कभी भी हम लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी कंपनी में करनी हो या फिर कॉलेजेस में, एमबीए, जब एमबीए कॉलेजेस होते हैं उनमें प्रेजेंटेशंस होती है, तो आपको पता है जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हो तो सामने जो प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, आपको जो सुन रहे होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन जो देख रहे होते हैं, काफी बार वो पूछते हैं कि ये डेटा आपने कहाँ से निकाली है, समझे? तो आपने अपने जो ग्राफ आपने बनाया उसके नीचे ही आप लोगों ने लिखला कि भाई सोर्स सेंसस ऑफ इंडिया, तो आप बता सकते हो उनको, प्रोफेसर्स को, कि ये देखो सर, हमारी जो डेटा निकाली हुई है वो सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जाकर हम लोगों ने पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा निकाली है, समझे? तो रिलायबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और डेटा क्या हो जाता है, करेक्ट होता है, समझे? तो इस वजह से ये सोर्स ऑफ डेटा काफी इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, क्लियर एवरीवन दिस पॉइंट, फिफ्थ नंबर? यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज सिक्स्थ नंबर, लास्ट पॉइंट, ठीक है, दैट इज योर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा। देखो ये डायग्राम है, बार डायग्राम, तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि डायग्राम में कोई कैलकुलेशंस नहीं होती है, राइट? लेकिन ग्राफ के अंदर काफी बार कैलकुलेशंस आती है, क्योंकि हमको फॉर्मूलास और पूरा, हमको फॉर्मूला के थ्रू जाकर हम लोगों को पूरा एनालिसिस करके फिर डेटा बनाकर फिर हमको ग्राफ में प्रेजेंटेशन करनी होती है। ग्राफ में जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टैट्स में आपका 12th स्टैंडर्ड स्टैट्स में थर्ड चैप्टर आएगा टाइम सीरीज, उसके अंदर पूरा आप पहले कैलकुलेशन करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे और फिर आप डेटा बनाओगे, खुद कैलकुलेशन करके डेटा बनाओगे और फिर वो डेटा के थ्रू आप प्रेजेंटेशन करोगे ग्राफ का, समझे? तो ग्राफ में वैसा होता है, लेकिन ये तो डायग्राम है। अब इस डायग्राम में तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, लेकिन अगर कोई भी ग्राफ में कैलकुलेशंस होती है तो यू हैव टू शो दैट। आपको अपने आंसर में, अब आगे चलकर जैसे बीकॉम में या बीबीए में या सी आप जो भी आगे करोगे, तो आपको ये सब चीजें आएंगी आगे फिर से, राइट?
तो उसमें काफी कैलकुलेशंस होंगी, तो ग्राफ बनाना है, कुछ भी करना है, तो ग्राफ के साथ आपको क्या दिखाना पड़ता है, कैलकुलेशंस भी दिखाना पड़ता है। आप कैलकुलेशंस पूरा डिस्क्लोज करोगे, पूरा एक्सप्लेन, क्योंकि आपने देखा है कि ग्राफ बुक में एक साइड ग्राफ होता है तो दूसरे साइड प्लेन पेज होता है लाइनिंग वाला, तो वो जो लाइनिंग वाला पेज होता है ना, उस लाइनिंग वाले पेज पे हम लोगों को पूरी कैलकुलेशंस करनी होती है, और वो कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम लोगों को सामने वाले पेज पे ग्राफ तैयार करना होता है। हायर स्टडीज में इस तरीके से बनता है पूरा ग्राफ। अभी तो आप किसी 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ डायग्राम सीख रहे हो, डायग्राम पढ़ रहे हो, और 5 मार्क में भी आपसे डायग्राम खाली पूछेंगे, समझे, आपसे ग्राफ नहीं पूछेंगे, डायग्राम ही पूछेंगे, बार या क्लस्टर या फिर लाइन डायग्राम वगैरह। तो लेकिन आप हायर स्टडीज में करो तो कैलकुलेशंस आपको शो करनी पड़ती है, यहाँ पे नहीं है लेकिन हायर स्टडीज में पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है। सो टोटल 6 पॉइंट्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चाहे डायग्राम हो चाहे ग्राफ हो, ठीक है, उसकी बेसिक पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, कि जब भी एक डायग्राम या ग्राफ बनाना होता है तब हम लोगों को कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा डायग्राम या हमारा ग्राफ को कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। सो टोटल 6 पॉइंट्स, चॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज द राइट टाइप ऑफ डायग्राम, देन अवर डायग्राम मस्ट बी क्लियर, नीट एंड क्लीन, फिर स्केल्स एंड मेजरमेंट्स, ग्राफ में प्रॉपर तरीके से या डायग्राम में प्रॉपर तरीके से स्केल्स मेजरमेंट्स होनी चाहिए एज पर द डेटा, ताकि हमारा जो डायग्राम या ग्राफ है वो ना ही बहुत बड़ा बने ना ही बहुत छोटा। प्लस प्रेजेंटेशन हमको एक्सेस पे भी करनी होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी हमको टेबल में दिया गया है हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, दैट इज डेटा टेबल, हमको डेटा टेबल भी ड्रॉ करनी होती है, इवन सोर्स ऑफ डेटा भी हमको बताना होता है। एंड द सिक्स पॉइंट, दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा। अगर कोई कैलकुलेशन होती है तो हम लोगों को उसके साथ शो करनी होती है, अदरवाइज अगर नहीं है कोई कैलकुलेशन तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आंसर जो है वो एज अ थियोरिटिकल है, जो आपसे 2 या फिर 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। 2 मार्क्स में पूछे तो आपको लिखनी है 4 पॉइंट्स, 3 मार्क्स में पूछे तो आपको लिखनी है 6 पॉइंट, ठीक है। सो काफी बार ऐसा भी होता है, कभी पेपर कुछ ऐसा ट्विस्टिंग करके निकाल दिया, तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स के 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, काफी बार उसी चीज को 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। और ऐसा हुआ था 2020 के पेपर के अंदर, क्या हुआ था, जो चीज 2 या 3 मार्क्स में पूछी जानी चाहिए वो पेपर के अंदर 5 मार्क्स में पूछी थी, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि इतना छोटा आंसर हम 5 मार्क्स में बनाकर कैसे लिखते। तो आपको मैं एक आइडिया दूं कि अगर कभी भी ऐसा होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शॉर्ट 6 पॉइंट्स ही है इसके अंदर, अगर आपसे ये चीज 5 मार्क्स में पूछ ले तो इससे पहले आप डायग्राम और ग्राफ को थोड़ा डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन कर और फिर उसके पॉइंट्स बताकर, और आप प्रैक्टिकली, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल और ग्राफ के थ्रू आपको यही पॉइंट्स को समझाया है, आप वो चीज कर सकते हो 5 मार्क्स के अंदर, समझे। अगर पूछ ले तो आपके दिमाग में ना पहले से ही तैयारी होनी चाहिए कि भाई ऐसा आ जाए तो क्या करे, उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे भाई मैंने आपको बताया हुआ है और आप उसी तरीके से फिर क्या करोगे, प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। ये 6 की 6 पॉइंट्स क्लियर हुई, अगर क्लियर हुई तो जस्ट रेज अ हैंड, जो भी पॉइंट में किसी को कुछ डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यस आदित्य, भूमिका, एवरीवन क्लियर, फाइन, वेरी गुड, ओके। तो ये हमारा जो ग्राफ है मैं उसको फटाफट से 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देती हूँ। 2006 में 150 और 60 है, ठीक है। तो ये हमारा है 150 और ये है 60, ठीक है। 2007 में 125 और 70, ये 125
और ये है हमारा यहाँ पर 70, ठीक है। 2008 में 120, 100, ठीक है। अब मैं बोर्ड पे बना रही हूँ तो थोड़ा मेरा इधर उधर हो सकता है, मेरे पास स्केल नहीं है, मैं ऐसे प्रॉपरली वो करूँ। 2009 में 110, 150, ठीक है। और लास्ट वन 2010, 160 और 200। अरे मेरे को 200 तक जाना था। अरे रे, हाँ तो मैंने इधर थोड़ा चेंज कर दिया, इधर मैं कर दे रही हूँ 120, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ऊपर, तो मैंने इसलिए चेंज कर दिया। ये 160 तक गई और 120 तक, ओके। हमारा प्रॉपर तरीके से डायग्राम तैयार, स्केल लिखी, प्रेजेंटेशन किया, ऊपर भी मैंने बताया कि भाई इसमें से कौन सा पेरी पेरी है, कौन सा प्लेन वाला क्रीमेन होता है, ठीक है। एवरीथिंग इज डन एज पर द पॉइंट्स जो हमको यहाँ पे बोली है, पॉइंट्स, वो सारी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कंसिडर कर दी, ओके। सो दैट्स इट।